बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीरेंद्र सिंह मस्त ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता तरुण कालरा से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की रैली में ममता बनर्जी पर करारा हमला किया और टीएमसी की नई फॉर्म को लोगों के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री के मुताबिक टीएमसी की फुल फॉर्म है ट्रांसफर माई कमीशन। कटमनी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह मस्त साहब हैं, बीजेपी सांसद। सर, किस तरह से परिवर्तन हो पाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर? बीजेपी पुरजोर कोशिशें कर रही है। भाई, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है राजनीतिक दल का दलीय लोकतंत्र में ये कर्तव्य भी होता है कि शासन उसका बनना चाहिए, उसके लिए उसके कार्यकर्ता नेता कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारों की पार्टी है और उसके नेता एक विचारों का नेतृत्व करते हैं। तो शासन हमारा होना चाहिए, ये दलीय लोकतंत्र में हर दल का कर्तव्य होता है, हर कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, वही कार्यकर्ता धर्म है। कटमनी का बार बार जिक्र किया जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में इस बात का जिक्र किया। आपको लगता है कि बड़ी चुनावी मुद्दा है जिससे एक बड़ी संख्या प्रभावित है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो बहुत विचार करके अपनी बात कहते हैं। दुनिया इस बात को जानती और उन्होंने जो अपने सभा में कहा है या जो अपनी सभा में वो कहते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जो बहुत विचार करने के बाद नहीं कहते। वो विचारों का एक नेतृत्व करते हैं और विचार करने ही के बाद देश हित में जो बात करनी चाहिए वो कहते हैं और वो करते भी हैं, वो दिखता भी। पीएम ने आज जो सोशल मीडिया 40-50 मिनटों के लिए ठप हो गया था, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भी विकास ठप है जिसको शुरू करने की जरूरत है। वह बात प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल विचार करने के बाद ही कही है। कभी पश्चिम बंगाल उत्तर भारत के लिए रोजगार देने का केंद्र होता था, लेकिन कम्युनिस्ट शासन काल में उनके साथ अराजकता करने वाले कम्युनिस्ट के समर्थकों ने तमाम जूट मिल, कागज मिल सब बंद करा दिया, जहां लोग रोजगार प्राप्त करते। तरह तरह के बेमतलब के आंदोलन चलाकर लोगों को कलकत्ता से, बंगाल से बाहर करा दिया। आज के दिन में वो सब मिले जहां लोग रोजगार प्राप्त, जहां राष्ट्र के समृद्धि का काम होता था, वो बंद पड़ी। और वही लोग फिर ममता बनर्जी के साथ भी जुटकर वही काम करने लगे जो कम्युनिस्ट के शासन में होता था, कभी कांग्रेस के शासन में होता था। तो 50 साल के शासनकाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी ने ममता बनर्जी के शासनकाल में जो हुआ है, इससे बंगाल बहुत ही पिछड़ गया। बंगाल में जो लोग रोजगार प्राप्त करने जाते थे वो लोग वहां बेकार पड़े हैं या बाहर बंगाल के चले गए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बहुत विचार करने के बाद कहा है और वही स्थिति आज के दिन में है जिसको प्रधानमंत्री जी उद्धृत किए। ये थे वीरेंद्र सिंह मस्त साहब, कई ज्वलंत मुद्दों के ऊपर और कोरोना के बढ़ते मामलों के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए और कहा है कि देशवासी पूरी तरह से निश्चिंत रहें क्योंकि हमारी प्राकृतिक क्षमता इतनी सुदृढ़ है जिससे कि कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है। कैमरामैन शूरवीर के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।